जा रहे हैं क्योंकि पापा वापस नहीं आएंगे। सर मेरे वजह से हो रहा है, पापा मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि अब वो वापस नहीं आएंगे। खाने कितने वांदे हो गए हैं तो उसे क्यों नहीं बुला लेते यहाँ पे? बाप बेटा मिलकर चाय कॉफी पिलाना सबको। अपूर्वा की चिंता है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। डर लग रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ पुरान न हो जाए। कमल अरे देख कौन गिरा है। चल 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 बीजी, एक मिनट मैं लेता हूँ। हेलो, अरे ये 5628-7935 है क्या? बिल्कुल करेक्ट। देखो ऐसा है, यहाँ पे एक लड़का पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लंबा चौड़ा पतला सा। उसके मोबाइल में ये नंबर मिला हमको। तेरे को मालूम है कौन है लड़का? हाँ मालूम है। अभी कहाँ है वो? अभी अपन उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, भगवती देवी हॉस्पिटल। वो उधर वसई में है ना, वो उधर के अंदर के गली के बगल में है, वहाँ पे। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ, बस निकल रहा हूँ। पल्लू जी, बीजी किसका फोन था? बीजी वो मेरे लंदन वाले दोस्त आए हुए हैं, उनका फोन था। उनको ना मुझसे कुछ बिजनेस की बातें कर दी हैं। बीजी मैं अभी आया। अरे खाना तो खा के जा। बीजी लेट हो रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं, मैं अभी आया। बीजी सुनिए, वो चीनी थोड़ी कम होगी, इतनी थी बस। तुम और मीतू आ गई, ये अच्छा किया। अब मैं देखती हूँ। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? भूख लगी, मुझे बताना, मैं बना देती हूँ तेरे लिए कुछ। क्या बनाएंगे आप? घर पे कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्रिज में कुछ होगा ना, मैं देख। रहने दीजिए माँ, फ्रिज एकदम खाली पड़ा है। ये एक लड़के के रहने का घर है, पूरी फैमिली यहाँ आकर रहेगी तो यही सब होगा ना, और क्या होगा? भरत सुन, सुनो लड़की, देखो इस इंडस्ट्री में जितने चमकते सितारे हैं ना, उतनी बुझती हुई कहानियां भी हैं। इसलिए अगर कल तक तुम लाइन पर नहीं आई ना, तो फिर शूटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। पैक अप, गुड बाय। सुनो टोपी, सर एक्सक्यूज तो तुम लेकर आए होगे। सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात क्या है कि जिया इस वक्त बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो अगर आप प्लीज। देखो लड़के,
इस शूटिंग का डेली का खर्चा कम से कम 1.5 लाख रुपए, और प्रोड्यूसर ना तो मेरा ससुर है जिसने ये फिल्म मुझे दहेज में दी है। टोपी, पाशा का रूल नंबर 8, पिक्चर का भगवान एक फाइनेंसर मेहरबान। हाँ, ये बात लड़की को समझा देना, वरना कल मेकअप निकालने से पहले वो इस फिल्म से दिखा दी जाएगी, समझ गए ना? अरे बल्लूपा जी, आप? सत श्री अकाल। भाभी जी, सत श्री अकाल। सुनिए, देखिए ना कौन आया है। अरे बल्लू, क्या हुआ? महेश, तेरा बार आना, 2 मिनट तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। तो पाजी, आप अंदर आइए ना। नहीं भाभी जी, वो क्या है, मैं जरा जल्दी में हूँ। महेश जी, आओ ना बाहर, 2 मिनट। मैं आता हूँ। मौका है, मैं बोल रहा हूं ना तुझसे, अगर अभी दोनों को अलग कर दिया तो जिंदगी भर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी तो हालत वैसे ही बहुत खराब है बल्लू। चोट पे चोट होगी तो दर्द ज्यादा होगा, वो जिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, और अपना काम भी हो जाएगा। चले? हाँ चलो, लेकिन घर नहीं, मैं तुम्हें लंच के लिए जा रहा हूँ। अभी नहीं, नहीं गौरव, अभी नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये मूड में घर जाओगे और दादी ने तुम्हें इस हालत में देखा तो वो घबरा जाएंगे। Come on now, let's go. Beverages, mocktails. क्या लोगे? कुछ भी, कुछ भी। नो, मेनू में नहीं है। अलाउ मी, वेटर। या, डेफिनेटली। यस सर। मैडम को बताओ कि आपके रेस्टोरेंट का स्पेशल मॉकटेल क्या है। श्योर सर। मैम, हमारे रेस्टोरेंट के स्पेशल मॉकटेल्स हैं डेट विथ एंजल, इट्स इंक्लूड ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी जूस, सर्व विथ आइस। सो डू यू लाइक टू ऑर्डर मैम? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। जिसके नाम से ही इस खूबसूरत चेहरे पे हंसी लौट आए, वो हम कैसे ऑर्डर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूं गौरव? अरे तुम्हें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? आई एम द वन विद द डेट विद एन एंजल। If at all, I should be the one thanking you. हाँ, अगर thanks कहना ही है तो मेरे साथ एक और बार date पे चलो। हर बात में इंटरफेयर कर रहा है मिस्टर अग्रवाल। मेरा सेट बदल दिया उसने, मेरी हीरोइन को उल्टे सीधे ताने दे रहा है, उसे अपसेट कर दिया। सर, मैं अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तुम्हारा तरीका मेरे लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है, इसीलिए लाया गया है बॉबी पाशा। सर, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे क्रिएटिव डिसीजंस में भी इंटरफेयर करेगा। इसका मतलब उसे वो सब करना पड़ेगा जिससे मेरे पैसे बर्बाद होने से बच जाए। सर, मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं कर रहा। अच्छा, मैं एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है कल का शेड्यूल, दिखाओ जरा एक बार।
मिनट कसम, एक दिन में सिर्फ 2 मिनट के शूट करके आप फिल्म बनाना चाहते हो? मिस्टर रोहन, मैं सुभाष खाई नहीं हूं और ना ही आप कोई अफलातून डायरेक्टर हो कि जिसके लिए मैं करोड़ों का बजट दे दूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वो अच्छी फिल्म, मुझे वो फिल्म चाहिए जो रिलीज हो, हिट हो और मेरे इन्वेस्टमेंट्स जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। Do you understand that? सर वो किरण कहाँ है? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। एक मिनट। फोन नहीं उठा रही है, शायद रास्ते में। उसे कहना कि मुझे एक बार फोन करे। सर एक मिनट, मिस्टर अग्रवाल मेरी बात सुनी है, I'm requesting you, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस प्रोजेक्ट के लिए बॉबी पाशा ठीक नहीं है, उसके रहने से सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। फिल्म का नुकसान किसकी वजह से हो रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं रोहन चोपड़ा, इसीलिए मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, जो चीज मरम्मत से ठीक नहीं हो पाती है उसे मैं निकाल के फेंक देता हूं। बताइए जी, शुरू शुरू में जब मैं इंडिया आया करता था मुझे लगता था कि यहाँ पे सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, अरे गोगी कैसा है, अरे गौरव कितना बड़ा हो गया है तू, and I used to say, and you are as ugly. लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोग दिल खोल के प्यार करते हैं और उस प्यार को ऊंची आवाज में ही जताया जा सकता है। आई लव यू जिया। डर गई, मैं तो तुम्हें एक मिसाल दे रहा था। That's welcome. I'm so water. You are so gullible, huh? आदमी शायद तुम्हें बुला रहा है। हाँ नहीं, वो तो मैं उसे नहीं जानता। एनीवेज जिया, तुम्हें मेरे साथ लंदन आना चाहिए। दिस टाइम ऑफ द ईयर इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम उस आदमी को पहचानते थे? हाँ, वो बिजनेस कांटेक्ट है मेरा, बहुत साल पहले उसे मिला था इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर तुम्हारा हो गया तो चलें।
ओके वेटर बिल प्लीज सर बिल सर गिव द चेन थैंक यू सर शैल वी होश आ रहा है अगर इनके परिवार में से कोई है तो उन्हें बुला लो कहाँ है जिया नहीं वो नहीं आई गौरव कुछ भी करके अप्पू को वापस ले आओ प्लीज जिया अप्पू वापस आ जाएगा नहीं मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो कोई मुसीबत में है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है प्लीज प्लीज पॉजिटिव थिंकिंग अगर तुम बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा जिया तुम उसे प्यार करती हो अगर उसे कुछ हो भी गया तो तुम्हारा प्यार उसे बचा लेगा You have to believe in that, Jia. तुम्हें अपने प्यार पे यकीन करना होगा नहीं मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती मेरी बेटी तुम जैसे झूठे मतलबी और धोखेबाज इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती और अगर करती भी हो तो मैं उसे तुमसे मिलने से हमेशा रोकूंगा तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा उसे अरे बाप हूं मैं उसका बाप हूं मैं उसका उसकी जिंदगी में कौन रहेगा ये तय करने का हक मेरा है समझे आप हमें नहीं रोक सकते रोक सकता हूं मैं रोक सकता हूं और रोकूंगा मेरी बात कान खोलकर सुन लो मैंने डब्बू की शादी करने का फैसला कर लिया है और उसके लिए लड़का भी देख लिया है ऐसा लड़का जो उसे प्यार भी करेगा और अच्छी जिंदगी भी देगा हाँ गौरव के साथ मैंने डब्बू की शादी करने का फैसला कर लिया है आज के बाद डब्बू के सामने आने की जरूरत मत करना वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती भूल जाओ उसे थोड़े दिनों के लिए फील्ड से बाहर हो गया मतलब और उसका एक्सीडेंट हो गया है व्हाट अप्पू का एक्सीडेंट फंडा आप मुझे अभी बता रहे हो ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा
अपू का एक्सीडेंट।